हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नवीन सिंह जादौन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 11वीं क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। 11th क्लास की हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। आप 10th क्लास के बच्चे जब 11th में आए हैं उनके लिए बहु उपयोगी है और भी लोग पढ़ सकते हैं। जब आप 10th क्लास करके 11th में आते हैं तो कुछ लोग साइंस जो लेते हैं वो तो कुछ तो मैथ लेते हैं और कुछ क्या लेते हैं, बायो। उसमें मैथ में तो एक तो मैथ आती है, एक फिजिक्स आती है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जो बायो लेते हैं उनके लिए एक तो आती है जीव विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान आती है। हम जो बात करेंगे, जो नवीन सिंह जादौन के साथ आप जो बात करेंगे, जो मेरा नाम है नवीन सिंह जादौन, उसमें हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान एक्चुअल में क्या है? रसायन विज्ञान कहीं भी अगर परमाणु, आप 10th में पढ़ के आए इतना तो आप जानते हैं परमाणु क्या होता है। हम आगे बात करेंगे, हमने अगली जो यूनिट आएंगी कि परमाणु अणु क्या होते हैं, द्रव्यमान क्या होता है, जो भी आगे बात करेंगे। जहाँ पे भी परमाणु की, अणु की, किसी आयन की, किसी केमिकल की या रसायन की बात होती है उसी उसका जो स्टडी है वही क्या कहलाता है, एक्चुअल में रसायन विज्ञान कहलाता है। तभी मैंने लिख रखा है केमिस्ट्री के बिना क्या जीना यार, विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज नॉट सफरिंग। बिना रसायन विज्ञान के, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। इसके बिना जैसे हम कोई भी कपड़े पहनते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी वॉश बेसन यूज़ करते हैं, कोई भी सैनिटाइजर यूज़ करते हैं जो अब आज कोरोना वोरोना में जो यूज़ होता है, उसमें सब में क्या है, केमिस्ट्री है, रसायन ही तो है। केमिकल को मिला के ही तो चीज़ें बनाई गई हैं। तो जहाँ पे भी केमिकल्स की बात होती है, जहाँ पे भी परमाणु अणु की बात होती है, वो सारा का सारा क्या है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। 11 क्लास में क्या है, केमिस्ट्री को दो भागों में बटा हुआ है। एक तो अकार्बनिक रसायन, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या है, और एक कार्बनिक रसायन। लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन को क्या कर दिया है, एक साथ कर दिया है, ठीक है। जबकि CBSE की जो बुक है उसमें अलग अलग दो बुक हैं। पहले दो बुक ही चलती थी हमारे टाइम पे, लेकिन अभी एक ही बुक कर दी राजस्थान बोर्ड में। कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन पे बेस्ड अध्ययन होता है, कार्बन के ऊपर ही सारा अध्ययन होता है, उसको कार्बनिक रसायन। और उसके अलावा जितना भी है वो किसमें आता है, अकार्बनिक रसायन। एक भौतिक रसायन भी होता है जो हम 11th 12th में उसको अकार्बनिक में इंक्लूड करके चलते हैं। हम सबसे पहले अकार्बनिक रसायन में स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत अवधारणाएं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ले रहे हैं हम RBSE का, ठीक है। रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत अवधारणाएं, उसमें हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं, छूटेगा कुछ भी नहीं, बस बने रहिए और पढ़िए। और कोई भी लेक्चर सुनना है, ये मतलब मेरा मूल मंत्र है, तभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक अगले कमरे में जाके ईयरफोन लगा के और कॉपी पेन लेके बिल्कुल मतलब डिसेंट जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं तब तो मज़ा आने वाला है, नहीं तो इसके बिना कोई मज़ा आने वाला है नहीं। बिल्कुल अगर रेगुलरिटी रहेगी और अनुशासन रहेगा तो केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का मैं आपको बिल्कुल मतलब फील कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। यूनिट का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं या आवश्यकताएं, जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या कहते हैं, मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन भी लिखी है और कौन कौन से नियम हैं। एक्चुअल में रासायनिक संयोग के नियम का मतलब यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके बीच में क्या अभिक्रियाएं होती हैं, किस अनुपात में अभिक्रियाएं होती हैं, उनको समझाने के लिए कुछ नियम दिया गए थे साइंटिस्टों के द्वारा 1718वीं सदी में। उन्हीं को रासायनिक संयोग के क्या बोला जाता है, नियम। रासायनिक संयोग के नियम का मतलब है जैसे कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना, कोई यौगिक बना, जैसे हमारे पास पानी होता है जल, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट से मैंने यहाँ वन लिख दिया है। जल का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, H2O होता है कि नहीं होता, तो इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनाया है ये जल। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है, ये आपस में किस अनुपात में जुड़ते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक संयोग के नियम की, कि जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे होता है। जैसे CO2 बना तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में जुड़े, क्या जो ना पकड़ के सिया कार्बन को लाया और ऑक्सीजन को लाया और दोनों को जोड़ दिया और बन गई CO2। एक बिल्कुल एग्जैक्ट एक अनुपात होता है, उस अनुपात में जब चीजें जुड़ती हैं, जब परमाणु जुड़ते हैं तो यौगिक या किनका निर्माण होता है, अणुओं का निर्माण होता है। उन्हीं का अध्ययन करने के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक संयोग के नियम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेनली 5 नियम हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभी हम आगे बात करेंगे क्या होता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और फिफ्थ है गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बिल्कुल डिसेंट तरीके से अकेले में बैठ के पढ़ना है और चीजों को समझना है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नाम से ही पता चल रहा है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है
उसमें जब अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं तो उस दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे मैं इसको लिखूं, रूल नंबर एक, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, या हम आपको उपलब्ध भी करवा देंगे नोट्स पीडीएफ के थ्रू या जैसे भी, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है, संरक्षित का मतलब समान रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई रिएक्शन हुई ए प्लस ए, ठीक है। जो अभिक्रिया करते हैं वो तो अभिकारक कहलाते हैं, जो अभिक्रिया के बाद में जो बनते हैं, जैसे रिजल्ट आता है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एट, ये हमने माना। ये कह रहा है कि जब अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तो जो रिएक्टेंट की साइड या अभिकारकों की साइड जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास, वही द्रव्यमान किसका होता है, प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट का द्रव्यमान भी क्या है, उतना ही होता है। इट मींस द्रव्यमान में कोई भी क्षति नहीं होती, जितना क्रियाकारकों का द्रव्यमान रहता है उतना ही किनका रहता है, प्रोडक्टों का रहता है। यही कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हम ऐसे भी लिख सकते थे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान कैसा रहता है, समान रहता है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि द सम ऑफ रिएक्टेंट मास और द सम ऑफ प्रोडक्ट मास, मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है, बिल्कुल। इसी को क्या बोला जा रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का क्या बोला जा रहा है, नियम बोला जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, देखो बिल्कुल सिंपल सा, आपने पढ़ा होगा ये तो 10th क्लास में भी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसको जब गर्म किया जाता है, गर्म को इंग्लिश में बोलते हैं हीट, जब किया जाता है इसको हीट, तो एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, CO2। अब ये कह रहा है कि जो अभिकारकों का जो द्रव्यमान या भार है वही क्या होगा, प्रोडक्टों का भार होगा, बिल्कुल सेम। इसी को क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम देखते हैं, देखो कैल्शियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान होता है, अभी हम आगे चल के निकालेंगे भी, इसका होता है 100 ग्राम। कैसे होता है, कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 40। अभी आप इसको देख लें, फिर आगे हम बात करेंगे द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार क्या होता है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का, एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है भार या द्रव्यमान, 16, 3 है तो कितना हो जाएगा 48। कैल्शियम कितना है, 1। आपने एटम देखा, पढ़ा होगा 10th क्लास में, ऐसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दूं एक्स से, ठीक है। यहाँ जो लिखा रहता है वो तो होता है उसका परमाणु क्रमांक, और यहाँ जो लिखा रहता है वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान, या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मैं बोलता कार्बन का आपने पढ़ा होगा C6 और क्या 12, तो ये इसको किसको शो कर रहा है, 12 इसके द्रव्यमान को, और ये जो नीचे 6 लग रहा है इसको शो करता है इसके परमाणु क्रमांक को, जिसको हम प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं, 10th में हमने पढ़ा था। आगे भी हम, जब हमारी जो अगली यूनिट है वो परमाणु संरचना ही है, उसमें बात करेंगे। इसका होता है 40, इसका होता है 12 और इसका होता है 16। यहाँ कैल्शियम एक है तो 40, कार्बन एक है तो 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 16 थी 48। इनको सब मल्टीप्लाई करके जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब फॉलो करेगी, जब जितना रिएक्टेंट का द्रव्यमान उतना ही कितना होना चाहिए प्रोडक्टों का। देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना 40 और ऑक्सीजन का कितना 16, कितना हो गया 56, ठीक है। प्लस कार्बन का कितना 12, एक कार्बन है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना आ जाएगा 12 और 32 कितना आ जाएगा 44 ग्राम। यहाँ पे भी कितना हुआ 100 ग्राम, और 56 और 44 मिलके भी कितना हुआ 100 ग्राम। तो क्रियाकारकों का और उत्पादों का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। इसी को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का क्या बोला जाता है, नियम बोला जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, देखो बिल्कुल सिंपल, देखिएगा बिल्कुल आपके सिलेबस बेस्ड करवाता हूं। देखो देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, आप भी देखिएगा, देखो
5.85 ग्राम ग्राम NaCl NaCl विलयन को कितने ग्राम NaCl विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl व 8.85 ग्राम NaNO3 प्राप्त हो सके यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है तो देखो ये क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl के विलयन को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम AgCl और 8.5 ग्राम के NaNO3 प्राप्त हो सके। तो यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, देखो किसके अभिक्रिया करा रहा है, NaCl की अभिक्रिया करा रहा है किसके साथ, AgNO3 के साथ लिख रहा है, बिल्कुल उसमें डाला जाएगा AgNO3 को, तो इसका मतलब रिएक्ट करेगा। ये जब अभिक्रिया करेंगे आपस में तो एक तो बनेगा AgCl, Ag प्लस होता है और NO3 माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस माइनस के साथ और Na प्लस NO3 माइनस के साथ, तो AgCl, और एक क्या बनेगा NaNO3। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, Ag प्लस और Cl माइनस है तो AgCl और Na प्लस और NO3 माइनस है तो NaNO3। NaCl का कितना दिया हुआ है आपको, 5.85 ग्राम, ठीक है। AgNO3 का कितना नहीं दिया, पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। AgCl का कितना दिया हुआ है, 14.85, और इसका कितना दिया हुआ है 8.5 ग्राम, इसका कितना है 14.85 दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाइए और बताइए इसका कितना द्रव्यमान होगा। मुझे पता है इसका नहीं दे रखा तो क्या मान लूं, एक्स मान लूं, AgNO3 का नहीं दे रखा, कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो क्रियाकारक या अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ मतलब क्रियाकारकों के द्रव्यमानों का योग कितना, 5.85 प्लस क्या एक्स, ठीक है, बराबर किसके होगा, उत्पादों का द्रव्यमान, उत्पाद में AgCl है, AgCl का कितना है 14.85 और इसका कितना है 8.5। आपको अगर AgNO3 का द्रव्यमान निकालना है तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से किसको घटा दो, 5.85 को, इसको जोड़ना कितना आएगा देखो, 5 8 और 8 16, ठीक है, ये आया कितना आया 5, ये आया कितना 8 5 13 और 8 4 12, 12 और 1 ये कितना आया 23.35 आएगा, कभी कभार थोड़ा सा हो जाता है। x बराबर कितना आ जाएगा, 23.35 में से 5.85 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को कैसे फॉलो कर रहा है, 17.5 को जब अरे इसको जोड़ के 5.85 घटाओगे तो 17.5 आ जाएगा, 23.35 5.85 17.5 को जब इसमें जोड़ोगे तो ये भी सेम आएगा और ये भी कितना आएगा 23.35। तो जितना क्रियाकारकों का द्रव्यमान होगा उतना ही किसका आ जाएगा, उत्पादों का। तो इसीलिए क्या कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होगा, सत्य होगा, और AgNO3 का द्रव्यमान कितना आ जाएगा यहाँ पर 17.5 आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, थोड़ा इससे अपर लेवल का जो नीट के हिसाब से या और आगे के एग्जामों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखो चलिए साथ में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके पास तो फोन है, रिवर्स भी कर सकते हैं अगर एक बार समझ नहीं आया कि यार थोड़ा कैसे हुआ तो वापस भी कर सकते हैं आप। देखो अगला एग्जांपल कराता हूं मैं, बढ़िया, बस आप बने रहिए मेरे साथ। देखो क्वेश्चन है,
1.5 ग्राम एथेन, एथेन पड़ा होगा, एल्केन होता है C2H6, ठीक है, का पूर्ण दहन, का पूर्ण दहन, दहन का मतलब होता है किसी को जलाना हो, कोई जल्दी चीज का है जब उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, कभी भी दहन आ रहा है इट मीन्स किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। पूर्ण दहन करवाने पर, पूर्ण दहन करवाने पर 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम CO2 तथा 27 ग्राम H2 प्राप्त होता है, तो बताइए क्या, तो बताइए क्या है अभिक्रिया, क्या है अभिक्रिया, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रही है, तो क्या है अभिक्रिया, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है मैं लिख सकता हूं, तो क्या है रिएक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रही है, नियम का पालन कर रही है। देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करते इस प्रकार के एग्जाम्पलों को, थोड़ा है लेकिन सीखने के हिसाब से बहुत बढ़िया। क्या करा रहा है ये, एथेन, एथेन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहा है, ऑक्सीजन के साथ, कभी भी दहन लिखा होता है इसके, इसका मतलब किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। एथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, एल्केन में, एथेन का मतलब एन आ रहा है तो हाइड्रोकार्बन, टेंथ में पढ़ा होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, कभी भी एल्केन को जब पूर्ण दहन करवाया जाता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो हमेशा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है हमेशा किसका प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, देखो हम अलग से भी लेक्चर बनाएंगे किसी भी क्रिया को बैलेंस करने का, लेकिन फिर भी कैसे करते हैं, यहां मैं लगा दूं 4 और यहां लगा दूं 6, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 4 × 2 = 8 और क्या 6 = 14, अरे 4 × 2 = 8 हो गए, 6 = 14, तो यहां कितना लगा दूं 7, 7 × 2 = 14, क्योंकि जितने रिएक्टेंट के साथ एटम होंगे उतने किसके साथ होंगे, प्रोडक्ट के साइड में, उत्पादों के साइड होंगे, वही अभिक्रिया क्या कहलाती है, बैलेंस अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन कितने हो गए 4, तो यहां क्या लगा दूं 2। हाइड्रोजन कितने हो गए 6 × 12, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 × 12, कार्बन 2 × 4, कार्बन कितने 4, ऑक्सीजन 7 × 14, 4 × 2 = 8 और 6 × 8 = 14, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखो ये कैसे मुझे पता चले कि अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो कर रही है, बिल्कुल आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि जो क्रियाकारकों का जो द्रव्यमान है और जो उत्पादों का द्रव्यमान है वो क्या आना चाहिए, बिल्कुल समान आना चाहिए। देखो क्रियाकारकों में एथेन का द्रव्यमान दे रखा है, क्या दे रखा है, 1.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। ऑक्सीजन का दे रखा है, नहीं दे रखा। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो कहीं दे नहीं रखी, अरे दे रखा है ना पूर्ण दहन, कभी भी दहन का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना, कभी भी हाइड्रोकार्बनों को, एल्केन, एल्कीन, एल्काइनों को जब पूर्ण दहन कराया जाता है तो क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, जल बनता है। इसको हमने बैलेंस भी कर लिया अभिक्रिया को, और आगे भी हम बात करेंगे बैलेंसिंग पे, अगर ये भी तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। CO2 का भार दे रखा है, क्या द्रव्यमान दे रखा है 4.4 ग्राम, क्या बनती है CO2 बनती है, ठीक है। जल कितना बनता है 2.7 है, ये 27 नहीं है एक्चुअल में, 2.7 ग्राम, ठीक है 2.7 है ये। अब अगर मुझे ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता होता तो इन दोनों को जोड़ देता और इन दोनों को जोड़ देता, अगर ये दोनों बराबर आते तो ये किसको फॉलो करती, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करती, और अगर दोनों के द्रव्यमान जोड़ने पर, क्रियाकारकों के द्रव्यमान, उत्पादों के द्रव्यमान जोड़ने पर समान नहीं आते तो फिर ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो नहीं करती। लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान मुझको पता ही नहीं है, इसको निकालने के लिए क्या करो, इसको निकालने के लिए एक काम करो, एथेन के मोल निकाल लो। अभी हम आगे बात करेंगे कि मोल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, अभी मोल्स कॉन्सेप्ट है पूरा, एक हम लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा समझे, एथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने का क्या तरीका होता है, मोल्स निकालने का तरीका होता है कि दिया गया भार या द्रव्यमान भी लिख सकता हूं मैं, द्रव्यमान,
बटे मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, ठीक है, या आणविक भार भी बोल सकते हैं। किसी का जो दिया गया द्रव्यमान होता है वो बटे उसके आणविक द्रव्यमान, अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान और परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान। देखो इसका दिया गया भार कितना है, 1.5 है दिया गया। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि C2H6 है पूरा एथेन, C2H6 में एक तो क्या है कार्बन है और एक क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है। एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो यहाँ कितने कार्बन है, 2। C2H6 का बात करेंगे केवल, इसकी बात नहीं कर रहे कि आगे क्या लग रहा है, 2। और हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि C2H6 का द्रव्यमान दिया हुआ 1.5 है, ऐसा ना कि 2 C2H6 का द्रव्यमान दिया हुआ है। C2H6 का मतलब होता है एथेन, इसका द्रव्यमान दे रखा है कितना 1.5। तो उसके मोल निकालने का क्या तरीका होता है, इसका दिया गया द्रव्यमान बटे इसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आणविक भार का मतलब इसमें जो परमाणु उपस्थित हैं उनके द्रव्यमानों का क्या योग है ना, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। तो एक कार्बन का 12 तो 12 दुनिया के 24, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो कितने हैं 6, क्योंकि एथेन का फॉर्मूला तो यही है ना, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आएगा 30, ठीक है। यह आ गया, देखो इससे आप मोल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 1/20 मोल, ठीक है। इसको आप कर भी सकते हैं, कितने आएंगे 0.05, निकाल के देखो, ये आ जाएंगे 0.05 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये कैसे कैसे क्या करना है, देखो आगे देखो। अब इससे क्या ऑक्सीजन का आप द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि यहां जो दो मोल एथेन है, है कि नहीं, उसके लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 7 मोल, 2 मोल इसमें लगा हुआ है, पहले से हमने रिएक्शन बैलेंस की, तो 2 मोल के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 7 चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे चाहिए, तो 2 मोल के लिए 7 चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब 2 मोल के लिए 7 चाहिए, एक बार ध्यान से देखें, 2 मोल के लिए अगर 7 चाहिए तो 0.05 मोल एथेन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, अरे कितना चाहिए होगा, क्या करो 2 मोल के लिए तो 7 मोल, तो 0.05 के लिए कितना चाहिए होगा एथेन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, क्या करेंगे 7/2 × 0.5। ये एथेन के मोल मैंने क्यों निकाले, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे कि एथेन के मोल तो कितने आए 0.05, 0.05 का मतलब क्या हुआ कि जब एथेन के 2 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 7, तो 0.05 के लिए कितने चाहिए होंगे 7/2 × 0.05 इतने चाहिए होंगे। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7/40, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 20, ये क्या 20 × 5 = 100, तो 20 × 2 = 40, ये ऑक्सीजन के क्या आ गए मोल आ गए, कब आ गए जब ये 2 मोल अभिक्रिया कर रहा था तो इसके 7 मोल, लेकिन यहाँ एक्चुअल में इसके कितने मोल हैं, मैंने मोल कैसे निकाले, इसका दिया गया भार बटे आणविक द्रव्यमान कितना होता है इसका 30 होता है, 30 का भाग दे दिया तो 0.05 आ गए। तो 0.05 के हिसाब से ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए 7/40। अब ऑक्सीजन के मोलों से ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, देखो ऑक्सीजन के अगर मुझे मोल निकालने होते तो कितना मोल कितना दे रखा है 7/40, मोल निकालने का क्या होता है दिया गया भार, मोल निकालने का तरीका होता है, अभी अगर मोल कौन से अपने हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ इतना सा समझ ले, दिया गया भार बटे अणु भार, या उसको आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। दिए गए मोल तो इसके हैं, दिया गया भार है क्या इसका, वही तो हम निकाल रहे हैं, वो है ही नहीं, और मुझे पता है कि अणुभार ऑक्सीजन का कितना होता है, दिया गया भार तो है ही नहीं, उसी को तो हम निकाल रहे हैं, एक्स मान लेते हैं। अणुभार कितना होता है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन परमाणु का अणुभार होता है 16, ठीक है, मैं देखता हूँ ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है परमाणु का 16 होता है, यहाँ ऑक्सीजन है या O2 है, O2 है तो कितना हो जाएगा 32, एक ऑक्सीजन एटम से तो मॉलिक्यूल बनता है, दो परमाणुओं से O2, एक और एक से, तो एक का 16 तो दो का कितना हो जाएगा 32, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 को इधर पहुंचा दो 7/40 × 32 कर दो 4×8 = 32 और क्या 4×2 = 40 यही आ जाएगा 8×7 = 56, 56 का मतलब 5.6 ग्राम आ जाएगा x बराबर, ये क्या आ गया इसका द्रव्यमान आ गया, ठीक है 5.6 ग्राम। इन दोनों को जोड़ना, देखो इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण कैसे, ये कैसे आ गया तो पता है 5.6 ग्राम कैसे आया,
ऑक्सीजन के जब इसके एथेन के 0.5 मोल यूज हो रहे थे तो इसके ऑक्सीजन के कितने मोल यूज होंगे, 4 7/2 × 0.5। आगे भी मोल बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ से, 7/40 ये इसके मोल आ गए। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैसे निकालें, तो ऑक्सीजन के मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर दिया गया भार या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान या आणविक क्या भार। तो दिया गया तो है नहीं और आणविक कितना होता है 32, तो ये दिया गया भार निकल जाएगा 32 को इधर पहुंचा दो तो कितने आ गए 5.6 ग्राम इसका क्या आ गया, कितना भार यहाँ इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को कैसे फॉलो कर रही है देखो, इसका मतलब रिएक्शन क्या थी, ये थी रिएक्शन तो 2C2H6 प्लस 7O2 और क्या बना 4CO2 प्लस क्या 6H2। ठीक है, इसका कितना था 1.5, ऑक्सीजन का ही नहीं था हमारे पास, कितना आया 5.6। देख रहे कर रहे कि नहीं कर रहे, प्रोडक्ट में क्या है 4.4 प्लस क्या 2.7, इन दोनों को जोड़ना कितना आएगा 7.1 के आसपास आएगा। अरे 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 7, और 1.5 में 5.6 जोड़ेंगे तो 7.1 ही आएगा। इसमें भी 4. इसमें जोड़ो 4.4 में 2.7, तो पॉइंट क्या आ गया 2 और पॉइंट को उस तरफ 7 और पॉइंट को उस तरफ 4 7 4 11, 4 2 6 और 1 7, इधर भी कितना आया, इसको जोड़ तो सकते हैं ना 1.5 और 5.6 को, इसका भी कितना आया 7.1 और इसका भी कितना आया 7.1। ये किस तरफ का है, रिएक्टेंट की तरफ का, अभिकारकों की तरफ का, और ये किस तरफ का है, प्रोडक्ट की तरफ का। तो दोनों का द्रव्यमान कैसा आया, समान, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम को क्या करेगी अभिक्रिया फॉलो करेगी, कि जब क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है बिल्कुल, तो वो अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेकेंड लॉ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी या रोक के भी इसको आप लिख सकते हैं। देखो ठीक है, वीडियो को आप पीछे करके भी जाके देख सकते हैं कि एक बार नहीं आया क्योंकि आपके हाथ में ही फोन है, बस ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आगे क्लियर होंगी, एक साथ तो सारी चीजें क्लियर होती नहीं है। अभी हम मूल कॉन्सेप्ट पे आगे और बात करेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकेंड जो लॉ है वो है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है देखो, ठीक है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था उसके बारे में बताया था, अभी मैंने उसके बारे में बता नहीं पाया, उसके बारे में सर्वप्रथम बताया था लेवोसियर ने। लेवोसियर को रसायन विज्ञान का पितामह भी कहते हैं, जो छोटी छोटी एग्जाम होती है कभी कभी उनमें पूछ लिया जाता है, और बताया तो उसने था, और उसके बारे में जो अध्ययन किया वो किया था लैंडोल्ट ने। हम नोट्स में भी इसको इंक्लूड कर देंगे, कोई ऐसी समझाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, जो इसका जो स्थिर अनुपात के बारे में जो बताया था, जिसको हम बोलेंगे प्रस्तुतकर्ता, वो बताया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, किसने बताया था, जोसेफ प्राउस्ट ने इसके बारे में बताया था। ये क्या कहता है कि किसी भी या किन्हीं भी अलग अलग तत्वों से बने यौगिकों को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए उनके द्रव्यमानों का अनुपात समान बोले तो स्थिर रहता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, नाम से पता चल रहा है, इसके बाद सर्वप्रथम किसने बताया, प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने बताया। ये कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम, ये कह रहा है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है, जैसे H2O ही है, इसको किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, इसमें जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इन दोनों का अनुपात कैसा रहेगा, इनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो जैसे कैसे, मेरे पास एक तो रिवर का पानी है, मुझे वैसे पता है कि H2O जो होता है, ठीक है, H2O जो होता है उसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, दो तो हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अभी के लिए मान लो, अभी आप ये पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन परमाणु का वो होता है 1, और ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 8।
ठीक है, एक ग्राम होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2, एक का एक है, 2 का 2, एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 8, नहीं सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है 8 तो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान होता है उसका 16। तो हाइड्रोजन तो एक है, तो एक का तो एक है, 2 का कितना हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणविक द्रव्यमान है, परमाणु भार होता है, वो होता है 16, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना होता है 16, 2:16। इसको जब आप और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:8। अब ये कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम है, जोसेफ प्रॉस्ट ये कह रहा है किस H2O को, जल को कहीं से भी प्राप्त करो, चाहे तो आप उससे प्राप्त करो नदी से, चाहे आप तालाब से प्राप्त करो, चाहे टैप वाटर नहाने के पानी से प्राप्त करो, उनमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो क्या होगा 1:8 ही होगा। मतलब वो उसके कहीं से भी बन के आए, जो कंपाउंड बना होता है उनका अनुपात हमेशा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट या कैसा रहता है, समान रहता है। जैसे मैं इसको रिवर से प्राप्त करता तो भी किसी को प्राप्त करता, H2O को ही प्राप्त करता, किसी चीज को तो प्राप्त करता नहीं, या मैं इसको किससे प्राप्त करता, सी वाटर इसमें भी क्या होता H2O ही होता कि नहीं होता। और मैं क्या करता, टैप वाटर नहाने का पानी, उसको टैप वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वाटर को तो पानी नहीं लिख सकता हिंदी में, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली है नहीं, जानते हैं। ये भी क्या होगा H2O। अब इसको मैं यहाँ से प्राप्त करूँ, चाहे यहाँ से करूँ, चाहे यहाँ से क्या करूँ, इनके द्रव्यमानों का अनुपात कैसा रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा या स्थिर रहेगा। यहाँ पे भी कौन हाइड्रोजन है और कौन है ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कौन हाइड्रोजन है और कौन है ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कौन हाइड्रोजन है और कौन है ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ कितना होता है 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है तो एक का एक और 2 का 2, एक ऑक्सीजन है तो 16, ये भी 2 और ये कितना 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1:8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1:8, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1:8 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये यही कह रहा है कि चाहे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, किसी भी अलग अलग तत्वों से बने यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहता है, समान या क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसी को क्या बोला जाता है, स्थिर अनुपात का नियम, जिसके बारे में बताया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। यहाँ पे भी 1:8 आएगा, यहाँ पे भी 1:8 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1:8 आएगा। एक एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको, छोटा सा प्रैक्टिकल, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, लिख लें आप, देखो इस पर एक और अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिएगा। देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये, सुनो बढ़िया, देखो क्वेश्चन है आपका, एक प्रयोग है प्रयोग फर्स्ट क्या कहता है, प्रयोग फर्स्ट में 0.243 ग्राम मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ठीक है, मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है प्रयोग एक में, ठीक है, जलाया जाता है तो 0.40-30 ग्राम, इस पर स्थिर अनुपात का नियम कैसे फॉलो होगा देख रहे हैं, 0.40-30 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। प्रयोग सेकंड में क्या कर रहा है, प्रयोग सेकंड में कह रहा है कि इसी प्रकार जब 0.302 ग्राम मैग्नीशियम को सेम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो इसने दे रखा है, ये डाटा आपको देगा, जलाया जाता है, एक्चुअल में 0.182 है, 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को कोई ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो बताइए कि दिए गए आंकड़े स्थिर अनुपात नियम का पालन कर रहे हैं क्या, तो ये बोल रहा है कि दिए गए जो आंकड़े हैं वो स्थिर अनुपात नियम की पालना कर रहे हैं क्या, ये आपको बताना है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपसे ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ें कि 0.243 ग्राम मैग्नीज को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और जब 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ
तो 0.302 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं क्या द्रव्यमान उसको, स्थिर अनुपात के नियम को? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो कैसे करते हैं, क्या करो, आंसर देखो इसका, पहले क्वेश्चन को पढ़ो आंसर करने के लिए। प्रयोग को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को मैं लिख सकता हूँ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, लिख सकता हूँ प्रयोग फर्स्ट। प्रयोग फर्स्ट में क्या हो रहा है, मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है, अब क्या करो ये, अब इसमें मुझे द्रव्यमान संरक्षण का वो स्थिर अनुपात का नियम लगाना है। इसका मतलब प्रयोग फर्स्ट में जो मैग्नीस और जो ऑक्सीजन का अनुपात है वही क्या आना चाहिए प्रयोग सेकंड में, तो इस तरह अनुपात नियम को फॉलो करेगा और नहीं आया तो ये नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन का तो द्रव्यमान ही नहीं है, ना तो इसमें है और ना इसमें है, लेकिन मेरे पास प्रयोग फर्स्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का है क्या, द्रव्यमान कितना दे रखा है 0.4030 ग्राम दे रखा है। मैग्नीस का दे रखा है क्या, कितना दे रखा है 0.243 ग्राम दे रखा है। तो ऑक्सीजन का निकाल सकता हूं क्या मैं, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान या भार कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से किसका घटा दो, मैग्नीस का तो किसका आ जाएगा ऑक्सीजन का, तो क्या कर दो आप 0.4030 में से किसको घटा दो 0.243 को, कितना आ जाएगा करना, ये लगभग आ जाएगा 0.160 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो प्रयोग सेकंड में, प्रयोग सेकंड में भी मुझे मैग्नीज ऑक्साइड का दे रखा है, प्रयोग सेकंड ये आपको आंकड़े दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, मैग्नीज ऑक्साइड का कितना दे रखा है प्रयोग सेकंड में 0.302 ग्राम दिख रहा है ना आपको, देख तो पा रहे हैं, और मैग्नीज का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.182 ग्राम। तो आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या करो इसके में से इसका घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा 0.302 और ये 0.182, ये क्या आ जाएगा 0.120 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो देखो इसमें, देखो प्रयोग फर्स्ट में, प्रयोग फर्स्ट में मैग्नीज और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखो, मैग्नीज का कितना है 0.243 है और ऑक्सीजन का करना है 0.160। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इनका अनुपात आएगा लगभग इसमें इसका 0.160, इसको आप करोगे तो ये आएगा लगभग 1.5 के आसपास। 1.5 को आप कैसा लग सकते हैं, 1.50 के आसपास आएगा, 1.5 के आसपास। इसको आप लिख सकते हैं 15/10, तो क्या लिख सकते हैं 3:2 लिख सकते हैं, 1.5 आएगा, तो 1.5 का मतलब क्या 15/10, तो 3:2 आ जाएगा। प्रयोग सेकंड में देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात, मैग्नीशियम कितना दे रखा है 0.182 और ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान आया 0.10। ठीक है, तो आप इसको जब निकालेंगे तो ये भी आएगा लगभग वही 1.51 या 1.50 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, मतलब इन दोनों का अनुपात, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 15/10, वही क्या आ जाएगा, ये 3:2 आ जाएगा। इट मींस प्रयोग फर्स्ट में भी मैंने भले ही डाटा अलग अलग लिए, लेकिन मैग्नीस और ऑक्सीजन में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था उसमें इसका अनुपात क्या आया 3:2, और जो प्रयोग सेकंड में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है उन दोनों का अनुपात क्या आया 3:2। कैसे आया, अरे देख लो इन दोनों का अनुपात निकालो, 1.51 1.50 के आसपास आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 1.5 मतलब 15/10, तो 3:2। तो दोनों में जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन, उन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये वाले जो आंकड़े हैं, ये वाला जो न्यूमेरिकल है जो हमको दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन, ये स्थिर अनुपात नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आपको अच्छी तरह नोट्स में भी मिल जाएगा, सारा खेल समझने का है और समझाने वाले का है। ठीक है, आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, तो आपको समझ आया ये क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो इस प्रयोग फर्स्ट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात था वो, और जो प्रयोग सेकंड में मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था उसका अनुपात क्या आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है। और जब दोनों में, इसका मतलब वही तो हम कह रहे हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है, कि जब किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड को, चाहे तो इन आंकड़ों के आधार पर जो वैल्यू दे रखी है ये, चाहे इन आंकड़ों के आधार पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये, दोनों में अनुपात कैसा आएगा, समान आएगा। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्थिर अनुपात का नियम इसको हम कह रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं
थर्ड लॉ की, ठीक है, आपने पढ़ लिया अब तक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तीसरे नियम की बात करते हैं हम लोग, गुणित अनुपात का नियम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का सबसे पहले डेफिनेशन पे जाएंगे, गुणित अनुपात का नियम ये क्या कहता है, इसके बारे में बताया था डॉल्टन ने, ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था, डॉल्टन ने, आप हिंदी में बोले तो डाल्टन ने इसके बारे में बताया। ये कहता है कि जब दो तत्व पहले डेफिनेशन को देखें, हम इसको प्रूफ करेंगे, दो तत्व आपस में मिलकर जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं, एक से अधिक अधिक यौगिकों का, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है हमेशा सरल या पूर्ण अनुपात में होती है। सरल या पूर्ण अनुपात का मतलब जैसे 1:2, 2:1, 3:2, सरल या पूर्ण अनुपात में होती है। और हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे, एक बार डेफिनेशन को देख लें वापस से। मैं बोल रहा हूं कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्रा है, जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, तो जिस तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्रा है ना, उसका जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात या पूर्ण अनुपात होता है। देखो जैसे कैसे एग्जाम्पल से बात करते हैं हम लोग। मैं अगर कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराता हूं तो जब एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO। अगर कार्बन O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CO2। ध्यान रहे, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन परमाणु का, एक परमाणु का, सिंगल एटम का, और कार्बन का होता है 12। धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे ऐसे, और हम आगे भी बात भी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगली जो यूनिट आएगी उसमें। यहाँ कार्बन कितना है, एक, कितना है इसका 12, ऑक्सीजन एटम भी कितना है एक, तो कितना है 16, तो ये कितना आएगा इसका 12:16, ठीक है। सेकेंड में क्या कह रहे हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व हैं, इसमें भी दो तत्व हैं, ये जब मिले तो बना CO, और ऑक्सीजन के दो एक मॉलिक्यूल मिला या दो एटम मिले तो क्या बना, CO2। इसमें कार्बन तो कितना है एक ही है, तो 12, एक ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान 16, तो O2 का कितना हो जाएगा, दो ऑक्सीजन एटम आ गए, एक का 16 तो दो का क्या हो जाएगा 32, तो ये कितना आ जाएगा 12:32 आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं तो एक तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्रा है, एक तत्व की है कि नहीं भिन्न भिन्न मात्रा, इसमें ऑक्सीजन कितनी है 16 ग्राम और इसमें कितनी है 32 ग्राम, और कार्बन की क्या है निश्चित, इसमें भी 12 और इसमें भी क्या है 12, तो इसकी जो मात्रा होगी, जो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कैसा होगा, सरल अनुपात में होगा या कैसा होगा, पूर्ण अनुपात में। क्या है, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, भिन्न भिन्न का मतलब एक में तो क्या है 16 ग्राम और एक में क्या है 32 ग्राम,
कार्बन की निश्चित मात्रा कितनी है? 12 ग्राम है कि नहीं है? ऑक्सीजन की तो भिन्न भिन्न मात्रा 16 और 32, और कार्बन की निश्चित मात्रा के साथ जब संयोग कर रही है तो उसके द्रव्यमानों का अनुपात कैसा होगा? हमेशा सरल या पूर्ण अनुपात होगा। तो देखो, पहले में कितना था? 16, और दूसरे में कितना था? 32। तो क्या आ जाएगा? 1:2, और यही क्या कहलाता है? एक सरल अनुपात या क्या कहलाता है? एक पूर्ण अनुपात कहलाता है। यही तो कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक तो बनाया CO और एक क्या बनाया? CO2। ठीक है, तो इसमें एक तत्व की तो भिन्न भिन्न मात्रा द्रव्यमान की अलग अलग, दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा कार्बन की इसमें भी 12 और इसमें भी 12, ठीक है, की मात्रा निर्माण करते हैं। तो एक तत्व की तो निश्चित मात्रा और दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं का जो अनुपात होता है, जो तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में होता है उसके द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है, मतलब 1:2, 2:1, 3:2 या 2:3। ये तो बोल रहा है कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा का संयोग करता है तो हमेशा उसका जो अनुपात होता है किसका? जो भिन्न भिन्न मात्रा में संयोग कर रहा है, मतलब जैसे ऑक्सीजन कर रहा है, तो उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? हमेशा एक सरल अनुपात होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिख लें एक बार, फिर इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, देखो लिखें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल कराता हूँ मैं आपको इसमें। देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बुक्सों में भी दिया हुआ होता है शायद, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड है ऑक्सीजन के यौगिकों पर, इसको कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14, नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है वो मिलके बनाते हैं, एक तो कंपाउंड का मतलब हिंदी में होता है यौगिक। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, बोलें क्या लिख देता हूँ, यौगिक लिख देता हूँ। एक तो होता है क्या? एनो। ठीक है, एक होता है N2O, एक होता है N2O3, एक होता है NO2 और एक होता है N2O5। ठीक है, यहां तो मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन। एक नाइट्रोजन एटम का द्रव्यमान होता है 14 और एक ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान कितना होता है? 16। ये पांच कंपाउंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं? बनाते हैं। इस पे मैं कैसे नियम लगा सकता हूँ, गुणित अनुपात का नियम मैं कैसे लगा सकता हूँ, ये मैं बात करने वाला हूँ। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 14। एक ऑक्सीजन ही है एनो में, और ऑक्सीजन का कितना होगा? का नाइट्रोजन है तो एक का 14 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16 होता है, और एक नाइट्रोजन एटम का द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 14 दूनी के कितने हो जाएंगे? 28। ऑक्सीजन एक है तो कितना रहेगा? 16। इसमें बात करूं, एक नाइट्रोजन है, दो एक का होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 1, तो एक नाइट्रोजन का कितना? 14। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 × 2 = 32। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 का कितना? 28। और 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 16 × 5 के क्या हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। अब गुणित अनुपात का नियम आपने डेफिनेशन देखी है, अभी यहाँ आप लिख भी ली होगी, लेक्चर को पीछे करके देख सकते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो जो एक तत्व की जो भिन्न भिन्न मात्रा होती है दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, तो जिसकी जो भिन्न भिन्न मात्रा होती है ना उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। लेकिन अब आप इसमें देखें, इन दोनों में किसी के की निश्चित मात्रा है क्या? दोनों की अलग अलग है, इसकी भी कांस्टेंट नहीं है और इसकी भी कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। तो अब क्या करें? तो ऐसा करो कि एक की मात्रा को क्या कर लेते हैं? हम निश्चित कर लेते हैं, तभी तो गुणित अनुपात का नियम लगाएंगे। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, तो जिसकी भिन्न भिन्न मात्रा होती है उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। तो यहां तो दोनों की भिन्न भिन्न है, तो एक को क्या कर लो? स्थिर कर लो। मैं किसको स्थिर कर रहा हूं? नाइट्रोजन के द्रव्यमानों का जो की जो मात्रा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? नियत कर रहा हूँ। सबको मैं क्या मान रहा हूँ? 28 मान रहा हूँ। 28, इसमें भी कितना है? 28, इसमें भी कितना है? 28, इसमें भी कितना है? 28 ग्राम, और इसमें भी कितना है? इसका द्रव्यमान 28। तो ऑक्सीजन का क्या होगा?
क्या होगा, देखो कैसे हो ऑक्सीजन का, जब नाइट्रोजन का 14 था तो ऑक्सीजन का कितना था 16, अब मैंने नाइट्रोजन का कितना मान लिया 28, दोगुना हो गया नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा इसमें 32। अरे भाई मैंने दोनों का क्या है, एक का भी निश्चित नहीं था, जबकि गुणितानुपात का नियम किस पे लगता है, इसमें एक की तो निश्चित मात्रा हो और एक की क्या हो अलग अलग भिन्न भिन्न, तो जिसकी जो भिन्न भिन्न मात्रा होती है उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, एक सरल अनुपात, 1:2:3 या 1:2, अगर दो ही है दो यौगिक बन रहे हैं या 2:1 या 3:2, तो अगर एक दोनों में से किसी की भी स्टेबल नहीं है तो एक को क्या कर लो, स्थिर कर लो, ठीक है, एक के मान को सेम कर लो। तो जब यहाँ 14 था, अब मैंने सब नाइट्रोजन के पांचों जो कंपाउंड बन रहे हैं, ये 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 और ये, इसमें मैंने क्या कर लिया, इसमें सब का कितना मान लिया 28 मान लिया मैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो जब यहाँ 14 था नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना था 16, तो जब नाइट्रोजन का दोगुना हो गया तो ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा दोगुना, यहाँ नाइट्रोजन का 28 था तो यहाँ पे भी कितना है 28, तो ऑक्सीजन का भी कितना रहेगा, अरे कितना रहेगा ऑक्सीजन का भी 16 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। देखो यहाँ ऑक्सीजन इसका कितना है 16 ही तो रहेगा, अरे देखो नाइट्रोजन का यहाँ कितना है 28 है और यहाँ कितना है ऑक्सीजन का 16, तो नाइट्रोजन का मैं 28 माना तो 28 तो ऑक्सीजन का भी कितना रहेगा 16 ही रहेगा। यहाँ देखो नाइट्रोजन का कितना है 28 और यहाँ पे भी कितना है 28 है, अरे है कि नहीं है 28 है, तो इसका भी कितना रहेगा 48, क्योंकि यहाँ पे भी 28 था और यहाँ पे भी 28 है, तो कितना रहेगा इसका भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ नाइट्रोजन का कितना है 14 और यहाँ कितना होगा नाइट्रोजन का 28, तो इसका भी क्या हो जाएगा 32 × 64, क्योंकि जब 14 था तो इसका कितना था 32, अरे था कि नहीं था, तो जब अगर इसका 28 हो गया तो इसका क्या हो जाएगा 32 × 64, इसका जब 28 था तो इसका कितना था 80, और अभी भी जब मैंने कांस्टेंट माना है नाइट्रोजन का तो 28 ही तो है, तो इसका भी कितना रहेगा, अरे कितना रहेगा 80 रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस कॉम्पाउंड को ऊपर लिख दूँ इसको नीचे लिख दूँ कोई दिक्कत वाली बात ना, मैंने इसको लिखा NO और इसको क्या लिखा N2O, ठीक है। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, इसकी मात्रा तो क्या हो गई निश्चित हो गई और इसकी मात्रा क्या हो गई भिन्न भिन्न, इसके जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो क्या होगा एक सरल अनुपात या क्या होगा एक पूर्ण अनुपात होगा, ठीक है। NO का कितना आया 32,000, N2 का कितना आया 16, अगर मैं N2 को पहले लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है, N2 का कितना है 16, NO का कितना है 32, N2O3 का कितना है 48 और NO2 का कितना है NO2 में ऑक्सीजन का 64 और N2O5 में ऑक्सीजन का कितना है 80 है। बस मैं सरल अनुपात दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले वाले को क्या चेंज कर दिया, NO को नीचे कर दिया और N2O को ऊपर कर दिया। इसके द्रव्यमानों का अनुपात देखो 16 × 16 16 × 32 16 × 3 48 16 × 64 16 × 5 80। ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या आएगा 1:2:3:4:5। ये अनुपात एक ऐसा अनुपात होता है पूर्ण अनुपात है, इसको क्या बोलते हैं एक क्या बोला जाता है सरल अनुपात क्या किया जाता है बोला जाता है कि जब नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा के साथ ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा संयोग कर रही है तो ऑक्सीजन की जो भिन्न भिन्न मात्रा उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा एक सरल अनुपात होगा या क्या होगा पूर्ण अनुपात होगा। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें एक की जो मात्रा है वो तो नियत होनी चाहिए और दूसरी की क्या होनी चाहिए परिवर्तित होनी चाहिए। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा के साथ संयोग करती है तो जिस तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा होती है उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है एक सरल अनुपात होता है या क्या होता है पूर्ण अनुपात होता है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे इस गुणित अनुपात के नियम पे एक न्यूमेरिकल और लेंगे क्वेश्चन और लेंगे उसके बाद हम व्युत्क्रम अनुपात के नियम की बात करेंगे और गेलुसैक के नियम की बात करेंगे उसके बाद हम और जो क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया एग्जामों के लिए जैसे नीट वगैरह का एग्जाम होता है कोई तैयारी करना चाह रहा हो तो इस वीडियो को वो बहुत हेल्पफुल होगा तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आगे चल के अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए एक दो बार और लिखिए भी इसको। थैंक्स अ लॉट, खुश रहिए।